ये केवल अनुमान का विषय नहीं है कि आज उन मूर्तियों की पूजा करने वाले लोगों का चरित्र कैसा होता है। इनका चरित्र उनके जीवन पर हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। किसी चित्र या मूर्ति को देख करके हम पर दो प्रभाव पड़ता है। पहला ये कि उस व्यक्ति की स्मृति, अर्थात राम की अगर मूर्ति है तो राम की स्मृति, राम की याद, या फिर कृष्ण जी की है चाहे किसी की भी, उसकी स्मृति आती है। लेकिन ये तो तब संभव है जब हमने उस व्यक्ति के विषय में पढ़ रखा हो या फिर किसी से सुन रखा हो। यदि उनके अंदर सत्गुण है या फिर भूतकाल में था, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम जागृत हो सकते हैं। लेकिन अगर वह दुष्ट स्वभाव के हैं तो घृणा और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। और दूसरा है, दो प्रभाव पड़ सकते थे उसमें, दूसरा प्रभाव है स्वभाव। मूर्ति की सुंदरता अथवा कुरूप के साथ में मूर्तिकार की कला और उसके दर्शक पर उसका प्रभाव पड़ता है। जितने भी मूर्तियां बनाई जाती है वो तो परमात्मा की नहीं होती है, इसलिए हमारा ध्यान उस परमात्मा की ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होती है। उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और फिर यहाँ जो प्राणी बने हुए हैं, अद्भुत रचना जो है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो चाहे अन्य प्राणियों का शरीर हो। संसार में अनेक सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, फूल हैं और उन फूलों से लदे हुए पहाड़ हैं। ये भले ही हमें उस परमात्मा की स्मृति दिला सकते हैं। जैसे अथर्ववेद में एक मंत्र में उस परमात्मा को स्वरूप कृत्रिम कहा है, सौंदर्य का निर्माता कहा है। इस संसार के सुंदर निर्माण को देख करके हम उसकी सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई जो मूर्ति है वह तो केवल बुद्धि को भ्रम पैदा कराने वाली है। मूर्ति पूजा का सामाजिक दृष्टि से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इसे आप देखना चाहते हैं तो पौराणिक हिंदुओं के तीर्थ स्थानों की व्यवस्था को देख लीजिए। आप इसमें हर जगह पर अंधविश्वास, दंभ, आडंबर और दुराचार देखेंगे। वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रायः कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने उसको तीर्थ समझ करके अपना निवास स्थान बनाया है। और उसके अलावा जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा को केवल जीविका के लिए मानते हैं। मैंने ऐसे ऐसे जगह पर देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे मंदिर देखे हैं जहाँ पर भक्तगण नारियल चढ़ाते हैं या फूल चढ़ाते हैं या माला चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं। तो अगर नारियल है या फिर कोई मिठाई है, तो अब मान लीजिए एक मंदिर में 1,000 या 10,000 लोग ले जा करके नारियल चढ़ाते हैं, दिन में 1,000 भी लोग चढ़ाते हैं, तो बाहर जो दुकान लगाने वाला है उसकी 1,000 नारियल की बिक्री हो रही है। एक नारियल 10 रुपये में भी अगर मान लिया जाए तो 10,000 रुपये का है। अब वो 10,000 नारियल अंदर क्या करेंगे? और दूसरी बात, उस व्यक्ति के पास में इतना भंडार होता नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हरिद्वार में कोई मंदिर है, 1,000 लोग वहाँ जाते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, तो सोचिए इतने नारियल आते कहाँ से। तो होता क्या है, मैं किसी मंदिर का नाम नहीं ले रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि होता क्या है। मान लीजिए किसी दुकानदार के पास में 50 से लेकर के 100 नारियल होंगे, एक दुकान के बाहर उसको रखा रहेगा, 50 लोग अगर ले जा करके मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं तो दूसरा व्यक्ति जहाँ नारियल चढ़ाया रहेगा उसे उस भंडार में ले जाएगा और फिर वहाँ से होते हुए दूसरे मार्ग से होते हुए वापस वो उसी दुकान पर आता है। उसी दुकान पर वो नारियल आता है और 50 या 100 नारियल दिन में 10 बार बिकते हैं, तो 1,000 लोगों को वही 50 या 100 नारियल बेचते हैं। नहीं तो क्या इतना भंडार होगा उनके पास में कि 1,000-10,000 नारियल रख सकें। और ये मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ नारियल का, ऐसा ही उदाहरण फूलों की माला का हो सकता है, ऐसे उदाहरण चादरों का हो सकता है, ऐसे उदाहरण रुमालों का है। किसी मंदिर में ले जा करके अगर आप चादर चढ़ाते हैं या रुमाल चढ़ाते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मजार हो कहीं पर भी हो, दिन में अगर 1,000 या 2,000 लोग अगर चढ़ाते हैं तो इतने 2,000 चादर कौन से भंडार पर रखेंगे, और महीने में 30 दिन में 60,000 चादर होंगे तो उसका वो क्या करेंगे।
तो वो वापस आता है और फिर उसी को बेच दिया जाता है। इसलिए ये जो व्यवसाय है वो उस व्यवसाय के आधार पर लोग वहाँ पर रहते हैं। तो दो प्रकार के लोग हुए, एक उस स्थान को पवित्र मान करके रहने वाले और दूसरे लोग अपना व्यापार चलाने के लिए। फिर लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए जो बाहर से यात्री आते हैं, जो सीधे साधे भक्त होते हैं वो आते हैं, तो फिर मूर्तियों की चमत्कार की काल्पनिक कथाएँ सुनाते हैं। आज आप हरिद्वार चले जाइए, वहाँ मैंने अपनी आँखों से देखा है, मोटर से चलने वाले ऐसे यंत्र छोटे छोटे बना रखे हैं, उसके ऊपर कृष्ण जी की मूर्ति छोटी सी रख रखी है, उनके हाथ में छोटा सा कटोरा दे रखा है, अपनी जीविका की पूर्ति के लिए कृष्ण जी को भिक्षुक बना दिया है। अब मोटर के द्वारा, यंत्र के द्वारा वो मूर्ति घूमती है, सामने की ओर आती है, तो भक्त उसमें खुशी खुशी बेचारे भोले भाले भक्त हैं भगवान के नाम पर 5 रुपया 10 रुपया चढ़ाते हैं, वो मूर्ति घूमती है दूसरी तरफ, अंदर की तरफ जाती है, अब वो पैसा उस मूर्ति के मालिक के पास में चली जाती है, फिर वापस घूम करके वो मूर्ति मोटर के द्वारा बाहर आती है। इसी तरह से कई ऐसी मूर्तियां बनाई जाती है जिसके अंदर वैक्यूम ऐसा पैदा किया जाता है कि उसके मुंह के पास में कोई भी चीज़ ले जाएंगे उसे वो अंदर की तरफ खींचती है, तो ऐसा दिखाया जाता है कि इस मूर्ति ने आज दूध पी लिया, इस मूर्ति ने आज खाना खा लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो धन घूम फिर करके उस मूर्ति के मालिक के पास में चला जाता है। तो ऐसे ऐसे आडंबर की कहानियां सुन करके उन्हें प्रभावित करते हैं, डराते हैं और फिर उनके जेब की अंतिम पाई तक खाली करा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे स्थान के जो रहने वाले लोग हैं वो यात्रियों के पास इतना भी धन नहीं छोड़ते कि वो घर लौट करके जा सके। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ भी ऐसी एक दो बार घटनाएँ हुई कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे घर जाना है, ऐसा ऐसा काम हो गया, मुझे दान देना पड़ा, चाहे वो पिता के नाम पर हो चाहे वो माता के नाम पर हो, मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया और घर में जाने का मेरे पास किराया भी नहीं है। अब और स्त्रियां जो प्रायः ज़्यादा भावुक होती हैं वो तो और बुरी तरह से लूट ली जाती हैं, उनके सोने चांदी के आभूषण भी उतरवा करके मूर्तियों को अर्पण करा देते हैं। बेचारी मूर्तियाँ क्या करेंगी, मूर्तियाँ उस सोने चांदी का क्या करेंगी, लेकिन वो यात्री जो धर्म भीरु होते हैं उसका किस तरह से दुरुपयोग करते हैं इसको देख करके अनुमान ही लगाया जा सकता है। और ऐसे जगह पर होने वाले व्यभिचार भी अभी तो किसी से छिपे नहीं हैं। इन दुष्कृतियों के लिए मंदिरों के न केवल साधारण पंडे पुजारी और बड़े बड़े महंत तक भी ख्याति प्राप्त हो चुके हैं। चाहे वो मुंबई का लाइविल केस हो, चाहे वो कोलकाता में जो गोविंद भवन केस हुआ था, चाहे श्रीनाथ जी के मंदिर के महंत का केस हो हंसा प्रेम वाली, ऐसी अनेकों ऐसी घटनाएं आज तक हो चुकी है जो कि देव मूर्तियों की आड़ में होती है। परमात्मा और धर्म के नाम पर जो व्यभिचार किया जाता है वो व्यभिचार हो रहा है, उसका भी मानव जीवन पर प्रभाव है। इसी तरह से मूर्ति पूजा पर देश का कितना धन पानी की तरह बहाया जाता है इसका भी अनुमान करना कठिन है। पहली बात, उन मंदिरों के निर्माण में अरबों खरबों का व्यय होता है और उसकी बनावट भी ऐसी की जाती है कि उनको किसी दूसरे रूप में उपयोग भी नहीं कर सकते। अंधकारयुक्त छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं जिसमें दिन में भी दीपक जलाए रखने की जरूरत होती है। ये मूर्ति पूजा से फैलने वाले अंधकार के द्योतक हैं, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है। अब मंदिरों से लगी हुई जो करोड़ों रुपए की वार्षिक आय है उससे भी कहीं अधिक आता है चढ़ावा, और यह सब यहाँ के पौराणिक हिंदुओं का ऐसा धन है जिसका कि अत्यंत दुरुपयोग होता है। देश के लाखों अनाथ लोग जहाँ अन्न के एक एक दाने को तरसते हैं, लेकिन पत्थर दिल, क्योंकि पत्थर पूज पूज करके उनका दिल और उनकी बुद्धि जो पत्थर जैसी हो गई है, वो हिंदू समाज, वो पौराणिक हिंदू लोग जीवित मूर्तियों से तो उदासीन है। परमात्मा के द्वारा बनाई गई जीवित मूर्तियों से मुख मोड़ करके
पाषाण मूर्तियों पर अपना करोड़ों निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन जो अनाथ, जो गरीब, जो भूखे, जो एक एक दाने के लिए तरस रहे, उनको वो अन्न नहीं दे सकते। और जितने निठले लोग पड़े हुए हैं, आज भारत में 80 लाख से ज़्यादा साधु हैं, महात्मा हैं, और पुजारियों की संख्या कितनी है, महंतों की संख्या कितनी है, पंडों की संख्या कितनी है, उनकी तो गिनती ही नहीं है। फिर उन मूर्तियों के भोग के लिए अनेक प्रकार से स्वादिष्ट भोजन आता है, जो कि धनवानों को भी दुर्लभ होता है, और उन्हें खाता कौन है, कोई मूर्ति तो ग्रहण नहीं करती है। इसी तरह से पौराणिक हिंदुओं की अपार धनराशि, जो प्रत्येक वर्ष तीर्थ यात्रा के नाम पर रेल में व्यय होता है, इन सब के अतिरिक्त पर्व में और कुंभ में जो अपार कष्ट होता है, उसे हम प्रतिदिन देखते हैं। अगर वही कष्ट, अगर उतना ही मेहनत घर में बैठ कर के ध्यान साधना में लगाते, ज्ञान की प्राप्ति में लगाते, तो इससे बहुत कल्याण होता है। हिंदू जाति का जो धन इस प्रकार की मूर्ति पूजा के नाम पर लूटा जाता है, यदि उसे शिक्षा प्रचार और उसके प्रसार में लगा दिया जाए, तो कई विश्वविद्यालय बिना सरकार की सहायता के चलाए जा सकते हैं, जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है, और उसकी रक्षा के लिए बहुत से ऐसे क्रिएटिव काम कर सकते हैं, बहुत से ऐसे क्रियात्मक काम कर सकते हैं। अनाथ, असहाय, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए आश्रम खोला जा सकता है। चिकित्सालय खोल करके देश में जो लाखों लोग उचित चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं, ऐसे चिकित्सालय खोले जा सकते हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि धन के अभाव में अब तक नहीं हो पाया है, उनके लिए तो हम धन नहीं देते, लेकिन हाँ, छल कपट से निर्मित जितने भी काल्पनिक ईश्वर हैं और उनके नाम पर बनी हुई मूर्तियाँ हैं, और उनके नाम पर चला हुआ धर्म, और उस धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है, उसके लिए जितना भी धन हमसे ले लिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। इसलिए हमारा अब तक पतन हुआ है। हिंदू जाति की रक्षा के लिए, पौराणिक हिंदुओं के या भारतीयों की रक्षा के लिए अनेक जो प्रयत्न अब तक किए गए और आज भी किए जाते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे, लेकिन वो सभी किसी न किसी रूप में असफल होते हैं कुछ समय के बाद में जा करके। थोड़े से सुधार प्रिय जो लोग हैं, वो कुछ गांव में हैं, कुछ नगर में फैले हुए हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के एजेंट की संख्या असंख्य है। चाहे वो गांव का पंडित हो, वहां का पुरोहित हो, उस मंदिर का पुजारी हो, देवी का भक्त हो, चाहे वो भूत प्रेतों की झाड़फूंक करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो दरगाहों में हो, उनकी जीविका का साधन ये मूर्ति पूजा बन रही है। तो भला ऐसी अवस्था में मुट्ठी भर जो समाज सुधारक हैं और मुट्ठी भर शिक्षित लोग क्या कर लेते। क्योंकि मैंने पहले दिन की चर्चा में कहा था, साइंटिफिक थियरी है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, कि ऊर्जा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। सकारात्मक चीज़ के लिए हमें प्रमाण देना पड़ता है, हमें पुष्ट करना पड़ता है, लेकिन उल्टी चीज़ें, विपरीत चीज़ें कहते ही लोग मानने लग जाते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने धर्मग्रंथों को खोल करके तो नहीं देखा। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, शायद वो उदाहरण यहाँ पर पूर्ण रूप से न घटता हो, लेकिन ऐसे नकारात्मक काम किस तरह से जल्दी फैलते हैं, ऐसे उल्टे काम किस तरह से जल्दी फैलते हैं, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इसका एक उदाहरण दिया है सत्यार्थ प्रकाश में। उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के जो संप्रदाय हैं वो कैसे चल पड़ते हैं, तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। कहते हैं कि एक राज्य था, उस राज्य में नियम यह था कि अगर कोई चोरी करता है तो उसकी नाक काट दी जाए, क्योंकि मृत्युदंड दिया नहीं जा सकता था, इतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन नाक काटने का मतलब यह है कि यह छोटी सजा भी नहीं है। कहने को तो लग रहा है कि सिर्फ नाक ही तो कट रही है, लेकिन एक बार नाक काट लिया जाए, मान लीजिए उंगली अगर कोई काट दी जाती है तो दर्द होगा कुछ समय तक, और कुछ समय के बाद में उंगली भले ही वापस ना आए, लेकिन ठीक हो जाएगा और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर नाक कटी हुई हो और देश के लोगों को मालूम है कि चोरी करने से नाक कटती है, तो फिर हर व्यक्ति को जो कि उससे मिलेगा, सबको पता होगा कि ये चोर रहा है,
जिस वजह से इसकी नाक कटी है, तो ये बहुत बड़ी सजा थी। उस दंड के भय से कोई भी व्यक्ति वहां चोरी नहीं करता था। लेकिन एक कहावत कही जाती है ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, चोरी की आदत जल्दी से छूटती नहीं है। एक ने सोचा कि ये मेरा फुल प्रूफ प्लान है, मेरी चोरी पकड़ी नहीं जा सकती है। उसने ऐसी योजना बनाई और चोरी करने चला गया। लेकिन संयोग ऐसा, उसके दिन खराब थे कि वो पकड़ा गया। अब राजा ने अपने विधान के अनुसार उसका नाक कटवा दिया। अब वो सोच रहा है कि इस देश में अगर मैं रहा तो लोग देखेंगे, पूछेंगे, और पूछने की ज़रूरत भी नहीं, सबको पता चल जाएगा कि मैंने चोरी की है। अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं दूसरे राज्य में जाऊँगा, और ऐसे राज्य में जाऊँगा जहाँ इसके बारे में कोई खबर ना हो। तो सबसे पहले तो वो वहाँ से जंगल भाग गया। जंगल में जा कर के दो चार महीने तक रहा, अपनी दाढ़ी बढ़ाई, जटाएँ बढ़ाई, और फिर एक दूसरे राज्य में उस जंगल को पार करके चला गया। वहाँ गया तो अब तो वेशभूषा तो साधु की है, लोग देख रहे हैं। उनमें से कुछ लोग आकर के पूछते हैं, क्योंकि देखने में तो साधु लग रहा है और नाक नहीं है, क्या कारण है? तो दो लोग उसके पास आने लग गए। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट हो, धर्म के नाम पर जो कहानियाँ सुन रखी है वो कहानी तो बोल ही देगा। तो उन सीधे साधे लोगों ने सोच लिया, बेचारे अज्ञानी तो थे ही, और कहा जाता है ना अंधों में काना राजा, उन लोगों ने उसकी बात सुन ली। फिर एक दिन सवाल किया दो चार दिन के बाद में कि महात्मा जी, आपने आपकी नाक क्यों नहीं है ये बताइए। तो अब उसने जवाब पहले से ही तैयार करके रखा था, क्योंकि दो चार महीने जब जंगल में रहा तो कोई ना कोई तैयारी तो की होगी उसने। उसने कहा कि देखो, परमात्मा और मेरे बीच में ये नाक आड़े आ रहा था, इसलिए मैंने इस नाक को कटवा दिया। और जैसे मैंने इस नाक को कटवाया, मेरे और परमात्मा के बीच की दीवार समाप्त हो गई और मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। अब बेचारे भले भले लोग उसकी बात को मान लिया। फिर सोचते हैं कि ये एक नाक कटवाने से अगर परमात्मा मिल जाता है, लोग तो क्या करते हैं, भैरव पहाड़ से कूद जाते हैं, कोई काशी में जाकर के पहले कटवाता था, अपना शरीर कटवाता था आरी में, कोई कई वर्ष तक की तपस्या करते हैं, कई आग में जल जाते हैं, कई बर्फ में अपने शरीर को गला देते हैं। अगर केवल नाक काटने से परमात्मा की प्राप्ति होती है तो ये सौदा सस्ता है। तो उन्होंने साधु को कहा कि हम भी परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। साधु क्या कहूँ, चोर था वो, तो उसने कहा, उस चोर ने जो साधु के वेश में था, बोलता है कि मुहूर्त देखता हूँ मैं, कल सुबह का मुहूर्त है, सुबह नाश्ते से पहले, प्रातःरात से पहले आ जाना, नहा धो करके एक तेज छुरा लेके आना और एक प्लेट लेकर के आना, एक थाली लेकर के आना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दोनों शिष्य आए तेज धारी का छुरा लेकर के, अपनी अपनी प्लेट साथ में लेकर के आए थे, क्योंकि नाक कटती खून निकलता तो कहाँ रखते, तो नीचे रका भी रखनी थी, थाली रखनी थी। तो पहले वाले भक्त की बारी आई, पहले वाले उस व्यक्ति की, तो सबसे पहले उसने नाक काट दिया तेज धार वाली छुरी से, और कान में मंत्र बोलता है, जैसे हमारे समाज में भी कान में मंत्र दिया जाता ना, वो कान में मंत्र बोलता है कि कटी हुई नाक तो अब वापस नहीं आनी, खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा तुम बोल दो कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है। अब होता क्या है, एक मानवीय सिद्धांत है कि मनुष्य, अधिकतर मनुष्य, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अधिकतर मनुष्य अपने दुख से दुखी कम होते हैं, दूसरे की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। अपना दुख थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते हैं, लेकिन दूसरा अगर सुखी दिखे तो उससे वो ज्यादा दुखी होते हैं। एक कहावत कही जाती है ना हिंदी में, कहते हैं खुद का पति भले ही मर जाए, सौतन विधवा होनी चाहिए। तो ये मानव का एक स्वभाव था, और उस स्वभाव से वो व्यक्ति भी अछूता नहीं था। उसने सोचा कि मेरी नाक कटी तो मैं अपनी ही क्यों कटवाऊं अकेले की,
तो उसने बोल दिया कि हाँ मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है, मुझे दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। अब दूसरा व्यक्ति भी तैयार हो गया, अब उसकी भी नाक कटी, मंत्र वही बोलता है कि कटी हुई नाक तो वापस नहीं आनी, अब बोलो कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है। अब वो समझ गया कि दोस्त ने मुझे तो मूर्ख बनाया, इसने भी मूर्ख बनाया, लेकिन अब हम दोनों की नाक कटी तो लोग पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे। तो उनके पास भी वही जवाब था रेडीमेड कि अब मैं परमात्मा का दर्शन हो रहा है, नाक आड़े आ रहा था, कटवाए तो परमात्मा का दर्शन हो गया। तो उन दोनों की देखा देखी अब धीरे धीरे लोग आते गए जुड़ते गए। उसमें कोई भी ऐसा साहसी नहीं था जो ये बता सके कि नहीं परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। सब लोग वही मानवजन्य स्वभाव के कारण, मानवीय मनोविज्ञान के कारण वो दूसरे का नाक कटवाने में लगे हुए थे। आज भी समाज की स्थिति वही है, सब लोगों को पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन जैसे उस चोर का व्यापार चल रहा था वैसे ही आज भी चल रहा है। लेकिन जब पूरे देश के लोग नकटे हो गए तो ये बात धीरे धीरे राजा तक भी पहुंची। राजा ने कहा कि मुझे भी परमात्मा का दर्शन करना है। मंत्री से कहता है, मंत्री बुजुर्ग थे, ज्ञानी थे, अपने मंत्री से कहता है कि मंत्रीवर, अब जब सारे देश की जनता ने परमात्मा का दर्शन कर लिया तो हम क्यों बाकी रहें। तो वो बुजुर्ग मंत्री पढ़े लिखे थे, वो कहते हैं कि महाराज, मैंने तो किसी वेद दर्शन उपनिषद में, किसी भी धर्मग्रंथ में ऐसा नहीं पढ़ा कि नाक काटने से परमात्मा का दर्शन होता है। अगर ऐसा होना होता तो वेद उपनिषद की आवश्यकता नहीं होती, आँख बंद करके ध्यान समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं होती, योग का कोई भी महत्व नहीं होता, इसलिए इससे परमात्मा नहीं मिलते। तो राजा, क्योंकि नकारात्मकता तो जल्दी घर कर जाती है, इन्होंने प्रमाण दिया फिर भी नहीं मान रहे, दूसरे लोगों की कही हुई बात पर विश्वास कर रहे हैं, तो राजा कहता है कि क्या इतने सारे लोग अज्ञानी थोड़ी, इतने सारे लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो जा रहे हैं। तो मंत्री ने सोचा कि अब क्या किया जाए, राजा तो नहीं समझ रहे हैं, अब डेमो दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकल करके। तो वो कहते हैं कि महाराज, हम सभी सैनिकों को साथ में लेकर के जाते हैं, मेरी तो उम्र वैसे भी अब 2-4 साल की है, अगर मेरा नाक काट भी लिया जाए, मेरी नाक वैसे अगर काट भी दिया जाए तो मैं बिना नाक के 2-3 साल तो जी लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपकी अगर नाक कट गई, अगर राजा की ही नाक कट गई, और अगर कोई घोटाला हुआ, अगर कोई गड़बड़ी हुई, तो फिर जग हंसाई होगी। सभी सैनिकों को लेकर के गए, सैनिकों ने घेर रखा था चारों तरफ, लेकिन अब वो चोर तो फुल कॉन्फिडेंट में, पूरे विश्वास के साथ में, वो सोचता है कि मैंने इतने लोगों को नकटा बना दिया तो ये कौन सी खेत की मूली है। अब मंत्रीवर तैयार थे, तेज धारी से नाक काटा, खून की धार बह निकली और कान में वही मंत्र कहता है। अब मंत्रीवर थोड़ी देर तो दर्द के मारे और गुस्सा के मारे चुप रहे, फिर बोलते हैं, सैनिकों को आदेश देते हैं और बोलते हैं कि सैनिकों, इन सब कर सबको पकड़ करके कारागार में डाल दो। और राजा को कहा कि महाराज, इसने क्या मंत्र कहा जानते हैं। राजा ने पूछा तो बोलते हैं कि कटी हुई नाक तो वापस नहीं आनी है, अब कहो कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी जो कुप्रथा है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया नाक कटे हुए संप्रदाय का, ऐसी जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनके फैलने में यही कारण होता है, यही तरीका होता है। जैसे मैंने कहा कि जो भी लोग तीर्थयात्री ऐसे स्थानों में जाते हैं तो लोग उनकी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं और मूर्तियों की कल्पना की या चमत्कार की कहानियाँ सुना करके डराते हैं और वहाँ पर धन व्यय करते हैं। तो वो लोग भी सोचते हैं कि अब हम तो लूट गए तो दूसरे लोग भी लूट जाएं। एक ये कारण होता है, दूसरा कारण ये होता है क्योंकि उन्होंने तो सुना ही है, उनको इस बात का पूरा पता नहीं है, तो वो दूसरों तक ये बात पहुंचाते हैं कि वहाँ तो फलाने ढंग का चमत्कार हो रहा है, वहाँ फलानी देवी निकली है, वो चमत्कार कर रही, फलाने देवता निकले, कुल देवता निकले हैं तो ये चमत्कार कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग अपना प्रचार करते हैं। अब सोचिए कि ऐसे प्रचार को मुट्ठी भर सुधारक कैसे निर्मूल कर सकते हैं। गुरु नानक जी ने, कबीर जी और उनके जितने अनुगामी हुए, जितने भी संत हुए, उन्होंने भी इस बात का अनुभव किया होगा और अंत में जा कर के उन्होंने भी परोक्ष रूप से इस बात पर समझौता कर लिया। मूर्ति पूजा द्वारा जीवन यापन करने वाले ये जो समुदाय है,
इस समुदाय ने राजा राममोहन राय का भी विरोध किया। ऋषि दयानंद जी को भी इन्होंने कई बार जहर दिया। तो इतना विरोध उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उनको पता था कि अगर ये मूर्ति पूजा का विरोध करते रहेंगे तो हमारा व्यापार, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए मूर्ति पूजा भारतवर्ष में जितने पौराणिक हिंदू हैं उनके अंदर और उनके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में लगा हुआ एक ऐसा रोग है कि उसकी चिकित्सा, क्योंकि रोग जैसा है चिकित्सा भी वैसी ही होगी, तो उसका प्रतिकार करने के लिए असाधारण चिकित्सा की ही ज़रूरत है। आपको लग रहा होगा पहले दिन से ही मैं कई बार कड़वे शब्द भी बोल दे रहा हूँ, कई बार मैं कुछ कटु उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले दिन की चर्चा में ही कहा था कि ये एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को नहीं लगता कि वो रोगी है। तो ये ऐसा रोग है कि इसकी चिकित्सा, इसकी औषधि भी वैसी ही होनी आवश्यक है। तो जितने भी धार्मिक लोग हैं इस बात पर विचार करें कि मूर्ति पूजा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आगे आने वाले दिनों में हम मूर्ति पूजा और योग साधना के विषय में चर्चा सुनेंगे कि योग और साधना पर मूर्ति पूजा का क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद ब्रह्मवाणी और बीतक में मूर्ति पूजा के विषय में क्या कहा है और सुंदर साथ के लिए वास्तव में राज जी ने क्या संदेश दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम जी।